शहर के कांग्रेस नेता तरुण बाहती ने 14 सितंबर मंगलवार को अपना जन्म दिवस मनाया। इस जन्म दिवस के कार्यक्रम में खास बात ये रही कि बाहती ने इस वर्ष अपना ये जन्मदिन दोस्तों व मिलने जुलने वालों के साथ नहीं, रेडक्रॉस द्वारा संचालित किलकारी के बच्चों व अनाथ आश्रम के बुजुर्गों के साथ मनाया। बाहती ने शहर की प्रसिद्ध होटल भारत पैलेस पर जन्मदिवस की पार्टी का आयोजन किया। यहाँ किलकारी के बच्चों व अनाथ आश्रम के बुजुर्गों ने पहुंचकर जन्मदिवस की पार्टी का आनंद लिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से युवा नेता संदीप राठौर, भगत वर्मा, विनोद बोरीवाल, संजय पवार, दीपेश बाहती सहित बाहती परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। शहर के सुप्रसिद्ध होटल भारत पैलेस में आयोजित जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे किलकारी के बच्चे व अनाथ आश्रम के बुजुर्गों ने बताया कि उन्हें यहां आकर बेहद अच्छा लग रहा है। बुजुर्ग व्यक्तियों का कहना था कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम अनाथ हैं, इसलिए अनाथ आश्रम में रहते हैं। कांग्रेस नेता तरुण बाहती समय समय पर हमारे जैसे लोगों के लिए अनूठी पहल करते हैं। अपने जन्मदिन की पार्टी बाहती ने किसी बड़े नेता, जनप्रतिनिधियों व नामचिन लोगों के साथ न मनाते हुए निराश्रित बच्चों व हमारे साथ मनाई है, हमें बहुत अच्छा लगा। महंगी होटल में जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे किलकारी के बच्चों ने भी खूब मजे किए। प्रयास रहा है कि जो जन्मदिन ऐसा ही मनना चाहिए, किसी का भी जन्मदिन हो वो निराश्रित और अनाथ बच्चों के साथ मनना चाहिए। मैं हर साल इन्हीं के साथ बैठकर जन्मदिन मनाता हूँ। हर साल हम रेड क्रॉस, किलकारी और अनाथ आश्रम में जाते हैं, लेकिन इस बार हमने प्रयास किया कि सारे बच्चों को, जितने निराश्रित ग्रह, किलकारी जो अनाथ बच्चों का आश्रम है और रेड क्रॉस के मूक बधिर बच्चे और वृद्धाश्रम, इन सबको यहाँ पर, जो शहर की होटल है भारत पैलेस, इन सबको यहाँ लाकर इनको भोजन इनको कराया है। और इसमें सिर्फ यही उद्देश्य है कि इनको भी अच्छे जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ये भी जैसे सब दूसरे बच्चे रहते हैं, भले इनके माँ बाप ना हो, लेकिन ये भी उसी प्रकार जीवन जिए जैसे दूसरे के बच्चे जीवन जीते हैं। हाँ, ये मतलब आज से नहीं, पहले भी एक बार मैंने इनको मूवी दिखाने ले गया था जन्मदिन के मौके पे, और इन बच्चों के लिए सबको करना चाहिए। मेरा सभी नीमचवासियों से कहना है और जितने मित्रों सबसे कहना है कि अपना जन्मदिन हो या इस प्रकार का खुशी का अवसर हो, इन अनाथ बच्चे, इस प्रकार के जो निराश्रित बच्चे हैं, उनको अपनी खुशी में जरूर शामिल करना चाहिए। जो हमसे बनता है उनके लिए करते हैं, इनको गिफ्ट वगैरह, खेलकूद की सामग्री और जो अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता है उसके अनुसार इनकी सेवा वो लोग भी अवश्य करें। हम लोग भी इसी प्रकार, इसमें किस प्रकार मतलब कोई दिखावा या आडंबर नहीं है। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को भी पूरा जीवन जो दूसरे बच्चे जीते वैसा इनको अधिकार होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ये कि जिस प्रकार से इनकी जो होती है सेवा, मन, रात को नींद अच्छी आती, चैन की नींद आती है और मन में लगता है कि हाँ कुछ सेवा हुई है। इस प्रकार से इन बच्चों को, मेरा सभी से पुनः कहना है कि इन बच्चों को जरूर सहारा बने, जब भी इनकी ज़रूरत लगे इनको, इनके किलकारी, निराश्रित ग्रह और रेड क्रॉस भवन में इनको जाकर जरूर इनकी देखभाल करें। और जो वृद्धाश्रम के वृद्ध हैं उनको भी हमारा फर्ज है कि वो भी एक समाज का हिस्सा है, उनके हम लोग सेवा करें और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया।